अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मीठा जो कि इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आने वाला है। इसको हम बनाएंगे जो ब्रेड स्लाइस होते हैं उसके जो बचे हुए पीसेस होते हैं उनसे। कुछ पीस ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई खाना पसंद नहीं करता, वो थोड़े मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्राउन होते हैं। तो इन बचे हुए पीसेस से हम एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 8 से 9 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, और इनके हमने किनारे नहीं निकाले हैं, एज इट इज़ यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक शुगर सिरप तैयार करते हैं। तो 9 ब्रेड के स्लाइसेस के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर ली है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, खुला मीठा पसंद करते हैं, तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दें और उसी के हिसाब से पानी भी बढ़ा दें। तो 1 कप शुगर के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करा है, और इसको हम पकाएंगे। इसमें हमें सिर्फ बॉईल लाना है, इतना हमें पकाना है कि इसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाए। हमें इसमें तार नहीं बनाना। जब ये शुगर सिरप तैयार हो जाएगा तो इसमें हम खुशबू के लिए इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और इसको मिक्स कर देंगे। सिर्फ हमें चाशनी को पकाना है। तो इसको फ्लेम को लो कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उनको फ्राई करते हैं। तो एक फ्राई पैन में हमने यहाँ घी का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट घी में ही अच्छा आता है। और जो हमारे पास ब्रेड पीसेस हैं उनको आप किसी भी शेप में तोड़ सकते हैं, किसी भी शेप में काट सकते हैं, और उनको हमें डीप फ्राई करना है अच्छा गोल्डन कलर आने तक और अच्छा क्रिस्प होने तक। तो इसको हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्लेम को हाई नहीं करना। अगर हम फ्लेम हाई करेंगे तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे ब्रेड पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बस कलर हमें इसको लाइट ही रखना है और अच्छा सा क्रिस्पी इनको फ्राई करना है। तो इस तरह से सारे पीसेस फ्राई हो गए हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून मावा लिया है और 250 ml मिल्क लिया है। मावा में हम मिल्क डाल देंगे जिससे कि जो खोवा है वो एक पेस्ट जैसे इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो खोवे में दूध डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और साइड पर रख देंगे। तो ये दूध और ये खोवे का मिक्सचर भी इसमें जाएगा। अभी शुगर सिरप बिल्कुल रेडी है। हमने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। तो ये बिल्कुल तैयार है। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब इसमें फूड कलर ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कलर डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और अब इस सिरप में हमने जो ब्रेड पीसेस फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। सारे पीसेस डालने हैं और फ्लेम को मीडियम रखना है, और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे जिससे कि जो शुगर सिरप है वो सारे पीसेस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इसको चलाते रहेंगे, सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये पीसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे शुगर सिरप में, तो जो मिल्क था हमारे पास वो ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे। अगर इस स्टेज पे लगता है कि दूध कम है, ये सारे पीसेस अच्छे से इसमें डिप नहीं हो रहे, सॉफ्ट नहीं हो रहे, तो हम दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ml दूध का इस्तेमाल करा है। और जो खोए का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो भी यहाँ ऐड कर देंगे। खोवा डालने से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप जितना चाहें उतना खोवा इसमें ऐड करें और इन सबको बहुत अच्छा सा मिक्स दे देंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। बस अब इसका टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा करने के लिए थोड़ी सी, यहाँ पर मैंने 2 से 3 चमचे देसी घी का इस्तेमाल करा है। इसे डालने से इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आती है, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और खुशबू के लिए यहाँ पर मैंने केवड़े का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे 4 से 5 ड्रॉप मैंने केवड़ा एसेंस डाला है। और डालने के बाद अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए लिड लगाकर ढककर रख देंगे। इससे ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, चिरौंजी ली है। तो इसको एक फ्राई पैन में 1 टीस्पून घी में
रफली चॉप करके ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट्स थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। इसको बिल्कुल कम आंच पे हमें फ्राई करना है। और थोड़े से मक्स लिए हैं मैंने, थोड़े से सीड्स हैं, इनको भी बिल्कुल आधा मिनट के लिए फ्राई करेंगे, यानी 30 सेकंड के लिए इनको भी फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये 5 मिनट के बाद देखिए बिल्कुल तैयार है ये हलवा। इसको हम ब्रेड का हलवा भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये घर में इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगा। जो ड्राई नट्स थे उससे हम इसको गार्निश करते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी रेसिपी। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक दीजिए। अब इसको हम सर्विंग डिश में निकालते हैं। तो बची हुई ब्रेड से बनाइए ये मज़ेदार सा हलवा और इन्जॉय करिए इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।